Let us start what we will be doing it today. Chalo, let us go ahead. Very good morning and warm welcome to everyone. हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है जरा फटाक से देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है जल्दी फटाक से स्क्रीन पे देखेंगे अपन और इसको आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा अभी तक का रिकैप, जल्द से जल्द बहुत वेरी वेरी फास्ट रिकैप करेंगे अपन, ठीक है। वेरी फास्ट वील डू इट, क्योंकि सब बच्चों को जिन्होंने रेगुलर किया है सबको ये आता है, बट स्टिल वील डू अ वेरी फास्ट रिकैप। कहानी अब तक देखते हैं क्या है कहानी अब तक, ठीक है। तो हमने अब तक देखा हुआ है ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है, हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखते हैं अपन? बिजनेस का। बिजनेस क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी जो हम रोज करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या? 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेची, मतलब प्रॉफिट, नहीं तो लॉस, ठीक है, फाइन। इनकम मतलब क्या? अलग अलग इनकम कमाने के जरिए होते हैं, अलग अलग, तो ये हमने देखा था। आमदनी कमाने के जरिए होते हैं। खर्चा मतलब क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए खर्चा करना पड़ता है। तो बिजनेस में आप खर्चा भी करते हो ताकि आप इनकम कमा सको, ठीक है, फाइन। माल क्या होता है? गुड्स, स्टॉक, इन्वेंटरी, ठीक है, जिसमें बिजनेस वाला डील करता है। क्यों डील करता है? ताकि वो खरीद के बेच सके और उसके ऊपर प्रॉफिट कमा सके, वो घर में यूज नहीं करता है। सर्विसेज मतलब ऐसा चीज जो आप किसी की डिमांड या नीड फुलफिल करते हो, वैल्यूएबल एक्शन डाल के। आप अभी अपने कैमरा ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने अभी कैमरा ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब मुझे लगेगा तब आपको ऑन करना है, फाइन, ओके, नेक्स्ट। तो ये सर्विसेज होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? दो लोगों में व्यवहार, मिनिमम दो लोगों में व्यवहार होता है, और जो वैल्यू है ऑन द स्पॉट सेटल भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी सेटल कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये हम ऑन द स्पॉट सेटल किया तो उसको बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये हमने ऑन द स्पॉट सेटल नहीं किया, बाद में सेटल किया, तो उसको बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब ऑन द स्पॉट, नहीं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। ये अगर आपने क्रेडिट में लिया है, अप्सरा या सोनू से गुड्स उधार पे लिए हैं, आपको ये रिटर्न करने पड़ेंगे, पैसे बाद में देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जो आप करते हो लेकिन इसका कुछ बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, इसको बोला जाता है पर्सनल ट्रांजैक्शन। वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है। ये सारे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो आपके बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, जैसे कि आप लोगों को पगार दे रहे हो, माल खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, अपने दुकान का टेलीफोन बिल भर रहे हो, दुकान का रेंट भर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होगी। ये बार का ट्रांजैक्शन सालों पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा होता नहीं। अगर होता है तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। ये है आपके प्रोप्राइटर, अकेला दुकानदार जो बिजनेस चलाते हैं, अपना ही पूरा बिजनेस चलाते हैं, ओके। अकेला दुकान खोलते हैं, बंद करते हैं, पूरी एक्सपर्टाइज और स्किल्स उनकी खुद की रहती है, पूरा प्रॉफिट वो लेते हैं, पूरा लॉस भी वही खाते हैं, ठीक है। अगर आप दुकानदार बनते हो, अगर आपको कोई नई दुकान चालू करनी है, तो आपको सबसे पहली चीज लगेगी कैश या बैंक अकाउंट लगेगा, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट लगेगा। तो जो कैश और बैंक अकाउंट में आप पैसे डालने वाले हो उसको बोला जाता है कैपिटल। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, कैपिटल इज नॉट नेसेसरी ओनली विच यू ब्रिंग इन कैश, यू कैन ब्रिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, यू कैन ब्रिंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एसेट ऑल्सो, याद है, कल करवाया था मैंने आपको, ठीक है, नेक्स्ट, ओके। ये कैश और कैपिटल से आप चीजें खरीदोगे जो जिसके मालिक आप खुद रहोगे, जिसके मालिक आप खुद रहोगे, आप ओनर रहोगे, तो उसको क्या बोला जाता है अकाउंट्स के भाषा में? एसेट बोला जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे का, अगर आपने कोई पैसे नहीं है आपको और आपने किसी और से पैसे उधार पे लेके रखे हैं, तो ये पैसे आपको बाद में देने पड़ेंगे, चाहे आप बैंक से पैसे लेते हो या आप दोस्तों से पैसे लेते हो या फिर सोनू अप्सरा से गुड्स खरीदते हो और क्रेडिट पे, और आपको इसके पैसे बाद में देने हैं, ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं लाइबिलिटी। क्या हो जाते हैं? ये आपके लाइबिलिटी, फाइन, जो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपका दुकान बहुत अच्छे से चल रहा है, पैसे बढ़ते ही जा रहे तिजोरी में, लेकिन आपको घर खर्च के लिए अभी पैसे निकालने तिजोरी में से, तो इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। लेकिन ड्रॉइंग्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑल्सो, ड्रॉइंग्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑल्सो, एंड ड्रॉइंग्स कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ एसेट ऑल्सो। ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन करवाया, ठीक है। तो अभी आपको जानना इस साल में आपके कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। साल मतलब क्या? अकाउंट्स का साल, अकाउंटिंग ईयर, जो चालू होता है 1 अप्रैल से खत्म होता है 31 मार्च को, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। फिर हमने देखा डेटर क्रेडिटर क्या होता है। डेटर मतलब जिसको मैंने गुड्स उधार पे दिए हैं उसके बदले उससे पैसे आना बाकी है, डेटर, और जिससे मैंने गुड्स उधार पे लिए हैं और मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे उसको बोलते हैं क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, उसको हम डेटर क्रेडिटर बोलते हैं, फाइन। फिर यहाँ पे हमने आगे देखा कि ये सारे फोटो से आपको समझाया कि ये क्या क्या चीज है, ये सारे खर्चे हैं आपके, नेक्स्ट, ये सारे आपके खर्चे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस बोला जाता है, ओके। ये आपके सारे एसेट हैं, ये सारे आपके एसेट हैं, ये सारे आपके क्या है, विशेष टिप्पणी नंबर 1, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस और एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, ठीक है। फिर हमने देखा था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ओके, ये कल हमने देखा, ये आपका खर्चा होता है, ठीक है।
ये आपने कल स्टोरी सुनी थी। तो जो भी आप खर्चा पूना टू नगर, नगर टू पूना करते हो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। जो खर्चा पूना के अंदर करते हो रिक्शा वाले का भाड़ा उसको बोलते हैं कन्वेंस। जो खाना पीने का आप खर्चा करते हो उसको बोलते हैं लॉजिंग बोर्डिंग। और जो भी आप कोर्ट में पैसा पे करते हो उसको बोलते हैं लीगल फीस या लीगल चार्जेस। ओके, ये सारे के सारे आपके इनकम कमाने के जरिए है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये आपके लाइबिलिटी है, आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। फाइन, ये दो प्रकार का है। डिस्काउंट अलाउड, जो कस्टमर को आप डिस्काउंट देते हो आपका खर्चा, अगर आपको सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है तो वो आपका इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड भी हमने कल देखा था, ठीक है, ये पेंडिंग है। ये हमने देखा था, कोई इंसान अगर कंगाल हो गया जिसको आपने गुड्स बेचे थे, तो अगर उसने पैसे नहीं दिए आपको तो उसको बोला जाता है बैड डेट्स। और कल हमने और एक देखा था डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब ऐसी चीज, आप डिपॉजिट रखते हो और कुछ सालों के बाद आपको इसके पैसे वापस मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है एसेट, बिकॉज एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, ठीक है। फाइन, कैपिटल मतलब क्या, किस किन किन लोगों ने कैपिटल के लिए अलग अलग नाम दिया हुआ है। रिश्ता वही है, सिर्फ सोच नहीं है। कैपिटल को किसी ने कहा है नेटवर्क, तो किसी ने कहा है ओनर्स इक्विटी, किसी ने कहा कि एन एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, किसी ने कहा, मैं इसको डिटेल में नहीं जाता, मैं चुपचाप मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूं, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। समझा सबको आपको ये, ओके तो अभी ये पढ़ाओ अभी, चलो बताओ मुझे, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, लिख के लो एवरीवन, जो कल परसों नहीं दे एक बार लिख के लो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। अगर एसेट 200,000 है, लाइबिलिटीज 50,000 है, तो बताओ कैपिटल कितना रहेगा। कैपिटल इज इक्वल टू 200,000 माइनस 50,000, बताओ कितना आंसर रहेगा, बताओ एवरीवन, एवरीवन चलो चैट में जवाब दो मुझे, चलो चैट में जवाब दो, चैट में जवाब दो, कम ऑन टेल मी। एक अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया रहेगा, तो बता दो 1,50,000 इज द राइट आंसर। तो एवरीवन लिख के लो एग्जांपल ए, एग्जांपल ए लिख के लो एवरीवन, एग्जांपल ए, इफ टोटल एसेट इज 200,000 एंड लाइबिलिटीज इज 50,000, देन द कैपिटल वुड बी 1,50,000, लिख के लो 1,50,000। कैसे आया ये 1,50,000, आप लिख सकते हो, ओके, ब्रैकेट में दिखा सकते हो, 200,000 माइनस 50,000, 200,000 माइनस 50,000, लिख के लो एवरीवन, ठीक है, फाइन एवरीवन, यहां तक ओके। चलो ए वाला लिख के लो फटाफट, ए वाला लिख के लो, ठीक है, बी, ए वाला लिख के लो, फिर मैं बी जाता हूं आगे, बी, ए वाला लिख के लो, डन, डन एवरीवन, शुड वी। सेकेंड बी, इफ द कैपिटल इज 300,000 एंड लाइबिलिटीज आर 100,000, देन हाउ मच इज एसेट। आपको यहाँ पे कैपिटल दे दिया है, कैपिटल 300,000 है बच्चा लोग, कैपिटल 300,000 है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कैपिटल इज 300,000 एवरीवन, ओके, एसेट आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू एसेट को क्वेश्चन मार्क करो या एक्स करो, जो भी आपको करना है करो, ठीक है, माइनस लाइबिलिटीज, कितने दिए गए आपको लाइबिलिटीज, 100,000, तो बताओ आपका एसेट कितना होगा, बताओ आपका एसेट कितना होगा। आपने 11th 10th में सीखा है 300,000, ये माइनस 100,000 है, तो माइनस 100,000 अगर हम इक्वल टू के इधर कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। ये माइनस 100,000 आप अगर इक्वल टू के इधर बाजू में कर दोगे तो बताओ प्लस हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, बताओ एवरीवन, प्लस हो जाएगा ना, तो बताओ आपके एसेट कितने हो जाएंगे, चलो बताओ मुझे आपके एसेट कितने हो जाएंगे, 300,000 प्लस 100,000 इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू एक्स, विच मीन्स एसेट विल बी 400,000। समझा क्या नहीं, रेज योर हैंड्स, समझा क्या नहीं एवरीवन, 400,000 समझा क्या नहीं, रेज योर हैंड्स, That's it. Absolutely amazing. Absolutely amazing. Okay. हुशार बच्चे यहाँ पे सारे। 400,000. लिख के लो 400,000. Okay. Then asset is 400,000. Fine. Asset is 400,000. Fine. लिख के लो. B वाला लिख के लो. If capital of the business is 300,000 and liabilities is 100,000, then asset is equal to 400,000. अगर आपको explain करना है तो ऐसे करके explain कर सकते हो आप. ठीक है? ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हो। 300,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 100,000,
x is equal to 3 lakh plus 1 lakh is equal to 4 lakh. ठीक है, डन. आगे बढ़े अपन. एसेट 5 लाख है, लाइबिलिटी 3 लाख है, तो बताओ नेटवर्थ कितना. सो नेटवर्थ मतलब क्या रे? अरे नेटवर्थ मतलब कैपिटल ही बाबा. कैपिटल को ही नेटवर्थ बोला जाता है. तो आपको ऐसा क्वेश्चन में आपको दे दिया, क्यों दिया? कंफ्यूज करने के लिए. आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आया वो डिफाइन व्हाट इज नेटवर्थ, तो ऐसा मत बोलना यूडी सर ने तो सिखवाया नहीं नेटवर्थ. नेटवर्थ मतलब कैपिटल ही रे बाबा. बताओ 5 लाख के एसेट है, 3 लाख के लायबिलिटीज है, बताओ नेटवर्थ कितना? 5 लाख माइनस 3 लाख, आंसर इज 2 लाख. सो सिंपल, आंसर इज 2 लाख. सो सिंपल, 5 लाख माइनस 3 लाख, आंसर इज 2 लाख. फाइन, ओके, लिख के लिया. ब्रैकेट में दिखा सकते हो 5 लाख माइनस 3 लाख. ओके, ब्रैकेट में दिखा सकते हो 5 लाख माइनस 3 लाख. ओके डन. नेक्स्ट लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो. आई एम वेटिंग, डोंट यू वरी, आई एम वेटिंग, डोंट यू वरी. आराम से चलने दो आपको बेटा. सार्थक आप अभी आए हो बेटा, मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ बेटा. आज होल्ड करो, मेरे लेक्चर्स आपको भेज रहा हूं मैं, सब समझेगा बेटा. चारों लेक्चर भेज रहा हूं आपको, ठीक है. लाइबिलिटी मतलब सुनो एक बार, लाइबिलिटी मतलब आप अगर किसी से गुड्स उधार पे लेते हो ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलता है लाइबिलिटी. आपने अगर बैंक से पैसे लिए हैं, आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी. आपने अपने दोस्तों से गुड्स, दोस्तों से पैसे उधार पे लिए हैं, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी. ठीक है बेटा, ओके फाइन. पहले के तो भी मैं लेक्चर आपको भेज देता हूं, निवांत पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है फाइन. टेंशन मत लो, वो देखो आप, नहीं समझ में आया तो मैं हूं, 100% हूं मैं. आज आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, ठीक है, ओके फाइन. आगे, if total asset is 5 lakh and capital is 220, then liabilities would be, बताओ everyone, then the liabilities would be, बताओ everyone, yes, बताओ. सोचो सोचो, चलो लिखो लिखो लिखो, अलग से लिखो लिखो, पहले लिखो, मुझे ऐसे जवाब देने फटाक से लिखो. कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी. एसेट 5 लाख है, कैपिटल यस, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, एक बार देखो वापस. यस हाँ, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी. डी लिख के लो. असेट 5 लाख है, कैपिटल 220 है, तो बताओ आपका लाइबिलिटी कितना, आपका लाइबिलिटी कितना, लिख के लो. असेट आपके 5 लाख है, असेट आपके 5 लाख है, ओके. एसेट आपके 5 लाख है, असेट आपके 5 लाख है, कैपिटल आपके 220 है, तो बताओ लाइबिलिटी कितना. कुछ नहीं, लाइबिलिटी को एक्स करो और बताओ आंसर. निष्ठा बोरा इज राइट. लेट मी सी व्हाट अदर्स आर गिविंग मी द आंसर. कैपिटल आपके 5 लाख है, दिखाओ ना यहाँ पे, दिखाओ ना बेटा. ये लो ये लो ये लो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लो ये लो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. टेंशन मत लो, हर चीज का सोल्यूशन है यहाँ पे, डिजिटली सब कर सकते हैं अपन, ठीक है. देखो यहाँ पे असेट कितना है आपके, 5 लाख, लिख के लो. असेट आपके 5 लाख है, ओके फाइन. कैपिटल आपका 220 है, बरोबर, कैपिटल आपका 220 है, तो बोल रहे हैं लाइबिलिटी कितना, पूछ रहे हैं आपको लाइबिलिटी कितना, हाउ मच इज लाइबिलिटी, ऐसा पूछ रहे हैं. सिंपल, कुछ बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल है. आपको क्या डालना है, आपको मालूम है कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी, बरोबर. ये आपको फॉर्मूला आपको बरोबर है. तो कैपिटल कितना दिया गया है, 2,20,000, बरोबर. एसेट कितना दिया गया है, 5 लाख, और आपको लाइबिलिटी निकालना है माइनस एक्स, करेक्ट. आप ऐसे ही करते हो ना दसवीं में. अब माइनस एक्स को हम उधर शिफ्ट करेंगे और 2,20,000 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या नहीं, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या नहीं. तो 5 लाख
माइनस 220, तो बताओ कितना आता है? x इज इक्वल टू 280,000। समझ लगा नहीं which means liability is equal to 280,000। समझ ले सगैन्ना हाँ या नहीं? सबको समझा? रेज योर हैंड्स। यस 280 लिख के लो। ओके डन। क्वेश्चन देखने का है आपको एक बार, चलो लिख के लो, क्वेश्चन भी लिख के लो और आंसर भी लिख के लो। इफ असेट्स आर 5 लाख, कैपिटल इज 220, देन लाइबिलिटीज वुड बी 280। कैसे 280 आया ये दिखाओ आप, ठीक है? ओके दिखाओ आप। डन, शुड आई गो अहेड? जिनका भी रह गया है ना तो मैं ऐसे बीच बीच में काउंट डाउन करता हूं, ठीक है? तो जिनका अगर रह गया है तो मुझे काउंट डाउन में बोलना है वेट, 10, 9, 8, 7 ऐसा बोलूंगा ना, तो आप मुझे चैट में बोल सकते हो वेट। तो अगर किनका रह गया है तो मैं रुक लूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा, ठीक है? ओके 10, 9, 8, 8। किसको क्वेश्चन देखना है? क्वेश्चन देख लो बस, ठीक है? क्वेश्चन देख लो, ये लो सारे क्वेश्चन एक बार वापस देख लो, जिन्होंने नहीं किया है एक बार क्वेश्चन वापस देख लो, ठीक है? ओके okay? 280,000 इज द आंसर। हमने इसका आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी करवाया कैसे 280 आया है, ठीक है? 280,000 सबका हो गया। यहाँ पे वो स्क्रीन दिखानी है क्या आपको, आंसर की स्क्रीन दिखानी है क्या? सर नहीं दिख रहा है। आरती आपको अभी दिख रहा है बेटा? आरती आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके नहीं दिख रही है आपको, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है बेटा, आपको कैसे नहीं दिख रही है? आपको क्या दिख रहा है? सर मैं दिख रहा हूं क्या? आरती मैं ऐसे कर देता हूं ना, मैं आपको ये फोटो भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? तो आपका रह गया रहेगा तो आप नोट डाउन कर लेना। ओके डन, मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? चलो आपको मे भी कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इसका फोटो भेज देता हूँ आपको। चलो सबको मैंने ग्रुप में भेज दिया, फाइन आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अभी जो मेरे को दिख रहे हैं सब मैं दिख रहा हूँ। ओके चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, चलो लेट्स गो अहेड। अब ये क्या है ये अपन बाद में करेंगे, ठीक है? हाल फिलहाल है ना, मैं आपको अभी आपके नोट्स में लेके जाऊंगा कटप्पा, कल अपन कटप्पा करने वाले, ठीक है? कटप्पा क्या होने वाला है कटप्पा में बाद में देखेंगे अभी, ठीक है? अभी नहीं, अभी होल्ड ऑन, मैं आपके नोट्स खोलता हूँ। इसमें से आपको एक असाइनमेंट करना है मेरे सामने, अभी के अभी असाइनमेंट करना है। चलो नोट्स खोलू मैं, नोट्स खोलता हूं मैं। जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, जिनको नोट्स नहीं मिले हैं तो बता दो, मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सार्थक ही है जिनको नहीं मिला है नोट्स, बाकी सबको नोट्स मिल चुका है आई बिलीव। मैं तो भी भिजवा देता हूँ आपको वापस, ग्रुप में वापस डाल देता हूँ नोट्स, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं अब तक, ठीक है? ओके मैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स भेज रहा हूँ वापस एक बार, ठीक है? भेज रहा हूँ। पहले तीन चैप्टर के मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने भेजे हैं, ठीक है? तो अपन देखेंगे हमने इस नोट्स में से क्या क्या कवर किया है, ठीक है? और हम कहाँ पे पहुंचे हैं, फाइन? ये मैं आपको वापस फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ये नोट्स नहीं लिए है तो देख लो, भली ग्रुप में डाला है मैंने आपको, ठीक है? ओके फाइन। सो हमने देखा है नोट्स, देखो पहला पेज है बिजनेस क्या होता है, ठीक है? दूसरा ये हमने देखा हुआ सेम जो पीपीटी में देखा है ना वही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ठीक है? आपको बस कंफर्म करने के लिए नोट्स, प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है ये, ठीक है? गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस कैश क्रेडिट पर्सनल बारटर प्रोप्राइटर कैपिटल एसेट लाइबिलिटीज अकाउंटिंग ईयर ड्रॉइंग्स डेटर क्रेडिटर
ये सबके फोटो सब आपको डाले हुए हैं, तब आप रेफर कर सको। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चीज पेंडिंग है, ये मैं आपको करवाऊंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप कैपिटल। ओके, अब फिर बार यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब मुझे जवाब दो, इसका जवाब दो। मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा, आप मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है? मैं रैंडमली पहले पूछूंगा, ये पूछूंगा अपन आर्या गुरावे से। आर्या, अनम्यूट को एक्सेप्ट करो बेटा, अनम्यूट को एक्सेप्ट करो। और मैं अभी सबको अनम्यूट की राइट दे देता हूँ, मैं सबको अनम्यूट की राइट दे देता हूँ। तो जिस जिसका मैं नाम लूंगा मैं उनको अनम्यूट करके इसका जवाब देना है, ठीक है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, मतलब क्या बताओ? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, इसको क्या बोला जाता है बेटा? आर्या, आर्या, आर्या बेटा जवाब दो। आर्या बेटा, अरे अनम्यूट को एक्सेप्ट करो ना बेटा। हाँ, क्या बोला जाता है? कैपिटल, कैपिटल, एब्सोल्युटली राइट। मैं इसको मैं वर्ड फाइल में खोलता हूँ, तो आप भी अभी टेक्स्ट बुक में आपके रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन ए, क्वेश्चन नंबर वन ए आपने इसमें लिखो। अगर आपने इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रखी है, मैंने बोला था आपको जिनको हार्ड कॉपी निकालनी है निकाल के रखो, उसके बाजू में लिखो। जिन्होंने हार्ड कॉपी नहीं निकाली है, डायरेक्ट आंसर लिखो आपके रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर वन ए, पहले का आंसर है कैपिटल, पहले का आंसर है कैपिटल, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट में कर देता हूँ। विनती बेटा, विनती, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट गोज टू यू बेटा, विनती नेक्स्ट गोज टू यू, आंसर बता दो मुझे। चलो विनती, विनती, यस सर, नेक्स्ट गोज टू यू। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, खर्चा ज्यादा इनकम कम, लॉस। एब्सोल्युटली राइट विनती, एब्सोल्युटली राइट, लॉस और लॉस। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलेगा? नेक्स्ट बोलेंगे अदीप बोलेगा। अदीप बेटा, अदीप ऑन करो। अदीप, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्युटली राइट अदीप, अदीप यू आर गोइंग कंटिन्यूइंग अहेड, अदीप आप ही कंटिन्यू कर रहे हो। अदीप नेक्स्ट अगेन यू आर कंटिन्यूइंग इट, बोलो। अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल, जिसको मुझे पैसे देने हैं, पर्सन पर्सन जिसको मुझे पैसे देने हैं, क्या कहलाया जाएगा वो इंसान? क्रेडिटर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। किन किन बच्चों को ये आंसर लाइबिलिटी भी बोलते आएगा? कोई कोई बोलेगा लाइबिलिटी तो भी चलेगा, किसी ने क्रेडिटर बोला तो भी चलेगा, बट मैं क्रेडिटर इज द राइट आंसर। मोर परफेक्ट आंसर इज क्रेडिटर, लाइबिलिटी भी लिखा तो भी चलेगा, बट मोर करेक्ट आंसर इज क्रेडिटर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन जवाब देगा मुझे? आर्या बेटा, आर्या, आर्या, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन, उसको क्या बोला जाता है? डीलिंग बिटवीन टू पर्सन, आर्या, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ट्रांजैक्शन, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट भी आप ही जवाब दोगे आर्या। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली कैश पे नहीं की जाती है, तो उसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे? बोलो बेटा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एब्सोल्युटली राइट, देखो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या बात है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिख के लो सबके जवाब, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो मैंने आपको दिए ही हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखना है आपके रजिस्टर में, ठीक है? नेक्स्ट इसका जवाब कौन देगा? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट जवाब देंगे भूमिका बेटा, भूमिका, भूमिका। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा खर्चा कम, बोलो उसको क्या बोला जाएगा? भूमिका, प्रॉफिट, प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट आंसर इज प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट आंसर इज प्रॉफिट। नेक्स्ट कमोडिटी इन विच द ट्रेडर डील्स इज नोन एज, आप ही जवाब दोगे, आप ही जवाब दोगे। कमोडिटी जिसमें ट्रेडर डील करता है तो उसको क्या बोला जाता है? भूमिका, भूमिका, गुड्स बोला जाता है बेटा, भूल गए क्या? गुड्स, उसको गुड्स बोला जाता है, माल, स्टॉक, इन्वेंट्री, ठीक है? आप गुड्स बोलो, स्टॉक, माल, इन्वेंट्री, जो आपको बोलना है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये अपन पूछेंगे, ये अपन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, देखेंगे किसको पूछेंगे अपन, भूमि को पूछेंगे। भूमि, भूमि, डैश ईयर इज ऑलवेज फॉलोड एज अकाउंटिंग ईयर, ये क्या है सर? डैश ईयर इज ऑलवेज फॉलोड एज अकाउंटिंग ईयर, मैंने बोला है दो तीन बार बोला है मुंह से ये आंसर। भूमि,
भूमि गांधी कुठे गेली भूमि अरे भूमि भूमि अरे फाइनेंशियल ईयर एब्सोल्युटली राइट फाइनेंशियल ईयर इज फाइनेंशियल ईयर मेरे को बुला जस्ट गिव मी वन मिनट इन द मीन वाइल आप आगे का ट्राई करो समबडी हैज कम टू मीट मी आई डोंट नो व्हाई ओके जस्ट गो एट दिस आई एम कमिंग इन वन मिनट ठीक है
Yes, everyone. Welcome, everyone. Welcome, welcome. Sorry for bothering you. Yes, financial year is always considered accounting year. Financial year शुरू होता है 1st अप्रैल से और खत्म होता है 31st मार्च को. तो next वाला वही answer है. 1st अप्रैल का चालू होता है. 1st अप्रैल and end on 31st मार्च. ठीक है everyone, done. Next, true or false का जवाब दोगे? कौन जवाब देगा? चलो आरती जवाब देगी. आरती true or false का जवाब दो. ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ, उसको क्या बोला जाता है? आरती बेटा ट्रू ऑफ ऑल? ट्रू ट्रू बेटा, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट आप ही जवाब दोगे. चलो आप ही जवाब दो आरती. एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. False. सब एक साथ जवाब दे सकते हो अभी मेरे को, ठीक है? सबको अनम्यूट की राइट दी गई है. पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रू क्या फॉल्स? कम ऑन टेल मी. फॉल्स. फॉल्स. पेमेंट मेड ऑन क्रेडिट कार्ड विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ट्रू क्या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. इट इज कैश ट्रांजेक्शन. There is no difference between profit and income. कोई डिफरेंस नहीं रहता है क्या प्रॉफिट और इनकम में? इनकम अलग होता है. ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. यस और नो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. क्लियर एवरीवन? यस और नो? एक्टिविटी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे. ये आपको अभी आपको रजिस्टर में लिखनी है. लिखो ऊपर हेडिंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस एंड कैपिटल. आपको ये एक एक अकाउंट पढ़ना है और बताना है कि ये अकाउंट क्या खर्चा है, क्या इनकम है, क्या आपका वो एसेट है, क्या आपका लाइबिलिटी है, क्या आपका कैपिटल है. ठीक है? ओके. जैसे कि एग्जाम्पल पहला, रेंट पेड खर्चा है ना? हाँ ना, हाँ या नहीं बोलो ना. रेंट पेड इज खर्चा, यस और नो? एक्सपेंस. ठीक है. लैंड, मैं ओनर हूं लैंड का, बताओ क्या हो जाएगा? ये मेरा लैंड क्या हो जाएगा बताओ एवरीवन? लैंड क्या हो जाएगा? एसेट. प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग. अरे प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग. बिल्डिंग बताओ क्या है? एसेट. 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 है ना, ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. ये 15, ये पहले 15 आप पहले तो चलो टाइम देता हूँ आपको, आप आंसर निकालो, मैं आपको याद के आंसर बता दूंगा. 15 म्यूट करो अपने आपको. चलो म्यूट करो, आपको 2 मिनट का टाइम. पहले ये तो कंप्लीट करो. 7 और 8 छोड़ के, 7 और 8 मत करना, ये मैंने आपको सिखाया नहीं अब तक. 7 और 8 छोड़ के बाकी सब करो. 7 और 8 अगर ट्राई करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्राई करना है तो करो, नहीं तो एनीवे 7 और 8 मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. बाकी करो जल्दी फटाफट फटाफट. चलो चलो फास्ट लिख के लो आपके रजिस्टर में. लिखो रेंट पेड डैश एक्सपेंस, लैंड डैश एसेट. अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो भी चलेगा. एसेट के बदले आपने ए लिखा तो भी चलेगा. आपको अगर फास्ट लिखना है तो, अगर आपकी स्पीड कम है तो ए लिखो. एक्सपेंस को ई डाल देना आप. ठीक है? ओके. एक्सपेंस को आप ई डाल देना, लाइबिलिटी को एल डाल देना और इनकम को आई डाल देना. ठीक है? चलेगा? ओके. हो गया. लिखो क्वेश्चन के साथ लिखना है आपका क्वेश्चन. कमीशन रिसीव डैश, वेजेस डैश, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डैश, आउटस्टैंडिंग अनपेड वेजेस डैश, जो मैंने अभी तक आपको बोला ट्राई करो, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ. प्रीपेड सैलरी डैश, मोटर कार डैश, कंप्यूटर डैश, स्टॉक गुड्स डैश, प्लांट एंड मशीनरी डैश, डिस्काउंट रिसीव डैश, कैपिटल डैश, रिपेयर्स डैश.
डन सर। सर आप म्यूट ऑन म्यूट करो पहले। यस हाँ कमीशन रिसीव्ड सर म्यूट करके बोल रहे हैं। यस यस कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम ठीक है। वेजेस मतलब ऐसा ऐसा खर्चा जो हम वर्कर लोगों को पगार नहीं देते क्या वर्कर लोगों को उसको वेजेस बोलते हैं। तो ये मेरा खर्चा है एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर मुझे ब्याज मिला। ब्याज मिला इंटरेस्ट मिला बताओ खर्चा क्या इनकम। बताओ खर्चा इनकम इनकम। मैं आपको ये चीज बाद में एक्सप्लेन कर ये भी बाद में एक्सप्लेन करा देता हूँ। नेक्स्ट मैंने गाड़ी लिया जो जिसका ओनर मैं हूँ। एसेट मैंने कंप्यूटर लिया एसेट मैंने माल लिया गुड्स में जिसका ओनर मैं हूँ। एसेट मैंने प्लांट एंड मशीनरी ली दुकान पे ऑफिस में फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी ली जिसका एसेट जिसका ओनर मैं हूँ। डिस्काउंट मिला मुझे बताओ खर्चा क्या इनकम। खर्चा डिस्काउंट मिला इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अभी अभी पढ़ाया था आपको। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। सोनू और अप्सरा से डिस्काउंट मिला याद है क्या नहीं याद है। इनकम कैपिटल इज अ कैपिटल ऊपर दिया ना हेडिंग इज अ कैपिटल। खर्चा किया मैंने रिपेयर के ऊपर। रिपेयर के ऊपर खर्चा सैलरी एडवांस एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज ऑल्सो एन अरे बोलो ना एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज ऑल्सो एन एसेट। मैंने आपको लिखवाया था ये एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज ऑल्सो एन एसेट। जब भी कोई खर्चा आप एडवांस में पे करते हो उसको एसेट बोला जाता है। और अगर कोई खर्चा आपने पे किया ही नहीं आउटस्टैंडिंग मतलब क्या मालूम है क्या इस बेचारे ने ना एक इंसान ने पूरा महीना भर लायबिलिटी। अरे क्या बात है यार होशियार हो गए हो बहुत। सुनो ध्यान से एक बार एक्सप्लेन करने दो मुझे जिन बच्चों को नहीं समझा एक बार एक्सप्लेन करने दो। ये एक बंदा बेचारा मेरे इधर पूरा महीना भर काम किया उसने और मैंने उसको पगार ही नहीं दी। 31 तारीख को मैं उसको पगार देता हूँ। उसको मैंने बोला यार मेरी आज थोड़ी तंगी चालू है दुकान बंद था लॉकडाउन था मैं तेरे को पगार बाद में दूंगा। तो मैंने इसको पगार दिया नहीं दिया आउटस्टैंडिंग अनपेड। तो मेरे को चैन की नींद आएगी क्या बताओ। मुझे चैन की नींद आएगी कि किसी को मुझे पैसे देने हैं बेचारे गरीब को पैसे देने हैं नहीं दिया है ना अभी तक तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो उसको बोलेंगे अनपेड। अनपेड वेजेस मेरी लाइबिलिटी हो जाती है। समझा क्या नहीं समझा एवरीवन। अरे समझा क्या नहीं एवरीवन। एनी डाउट एनी इश्यूज यहाँ तक। Any amount payable is called liability and any amount recoverable is called asset. Any amount paid in advance is also an asset. Got it everyone? Yes or no? Yes or no? Okay. Yes. 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 नहीं समझा liability वापस explain करो। बोलो ना आज सुनो आपको है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया आपके पास 500 रुपए का आपको पे करना है। अगर आपने टाइम पे कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो जाएगा ठीक है। लेकिन आपने पे ही नहीं किया आपने एक महीना दो महीना तीन महीना पे नहीं किया तो बताओ क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले आएंगे और आपकी कनेक्शन काट देंगे। करेक्ट आया नहीं अरे बोलो ना यार आया नहीं आएंगे क्या नहीं काट देंगे। तो फिर तो आपकी लाइबिलिटी थी पे करने की आपने पे नहीं की। अगर पे कर दिया आपने टाइम पे तो एक्सपेंस बोला जाएगा। अगर पे नहीं किया सर पे भोजा रहेगा टू पे दैट तो इट विल बी कॉल्ड एज लाइबिलिटी। समझा ओके एवरीवन अंडरस्टूड यहां तक। चलो आगे के पढ़ो अभी आगे के करो 16 से लेकर 30 तक का करो। चलो 16 से लेकर 30 बताओ मुझे क्या जवाब है। इतना करूंगा मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। 16 से लेकर 30 करो आप। 16 से लेकर 30 जितना आता है करो मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूं। जितना आता है करो टेंशन मत लो जितना आता है करो। 16 से लेकर 30 क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो ट्राई करो अपने हिसाब से फिर मैं आगे करवाऊंगा ठीक है। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं 16 से लेकर 30
ट्राई करो 16 से लेकर 30 क्वेश्चन भी लिखना आंसर भी लिखना। सन्ड्री बात एक्सप्लेन करता हूँ, जितना आता है करो ना, मैं करवा रहा हूँ ना बेटा, जितना मैं आता है मैं करवाता हूँ ना। सन्ड्री मतलब टोटल, सन्ड्री मतलब टोटल, सन्ड्री मतलब टोटल, सन्ड्री इज कॉल्ड टोटल, टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री मतलब टोटल, फाइन, ठीक है। मैं एक के साथ धंधा नहीं करता हूँ ना, मैं बहुत कस्टमरों के साथ धंधा करता हूँ, मेरे बहुत सारे सप्लायर होते हैं जिनसे मैं गुड्स खरीदी करता हूँ बेचता हूँ, तो उन सभी कस्टमरों की टोटल, टोटल डेटर्स, सारे सप्लायर की टोटल, टोटल क्रेडिटर्स, सन्ड्री, ठीक है, जिसको मैं सुंदरी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, सुंदरी, ठीक है। हो गया 2 मिनट है, लास्ट 1 मिनट आई एम गिविंग यू, राइट इट डाउन, लास्ट 1 मिनट आई एम गिविंग यू, राइट इट डाउन। जितना आता है करो, मैं हूं ना समझाने के लिए, टेंशन मत लो, जितना आता है करो। ऑक्ट्रॉय मतलब जकात बेटा, ऑक्ट्रॉय मतलब जकात, जकात मतलब टैक्स, एक प्रकार का टैक्स है, तो टैक्स आपका खर्चा क्या इनकम, कम ऑन टेल मी, टैक्स आपका खर्चा क्या इनकम, बोलो, टैक्स आपका खर्चा क्या इनकम, खर्चा, एक्सपेंस, आप खर्चा, कैरेज मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, कैरेज मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट को खर्चे को बोलते हैं हम कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ये नाम बोला जाता है, तो ये आपका खर्चा क्या इनकम, खर्चा, ये आपका खर्चा, एक्सपेंस। फर्नीचर, बोलो फर्नीचर क्या होगा आपका, बताओ 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 बताओ, फर्नीचर एसेट, आप फर्नीचर हर साल यूज का, हर महीने खरीदते हो क्या आप, नहीं ना, हर महीने का खर्चा करते हो फर्नीचर, आपका एसेट कहलाया जाएगा। टोटल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टोटल देने पड़ेंगे, बताओ देना है इन लोगों को, पैसा देना है, एसेट क्या, लाइबिलिटी, एसेट क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटर्स पैसे आने वाले हैं इनसे, डेटर्स पैसे आने वाले, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एसेट। बिल्स पेबल, कुछ बिलों का की पेमेंट करना है, किया नहीं है, करना है, बताओ लाइबिलिटी का एसेट, करना है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, कुछ बिलों का पेमेंट, लाइबिलिटी, कुछ बिल का पेमेंट आने वाला है, बिल रिसीवेबल, बिल के पेमेंट आने वाले हैं, बताओ इनकम, इनकम आने वाला है, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, इनकम। बैंक लोन, मैंने लोन लिया है बैंक से, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बताओ लाइबिलिटी का एसेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अब आपको मैं नई चीज पढ़ाऊंगा, 24 मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट। अरे बच्चा लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन ही है जो बैंक हमको देती है करंट अकाउंट पे, कौन सा अकाउंट पे, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या रहता है, ऐसा अकाउंट जो बिजनेस वाला चालू करता है बैंक में, जैसे कि मैं उमेश डोडेजा, मेरा दुकान का नाम है एप्राइस ट्यूटोरियल, तो मैं बैंक अकाउंट खोलने जाऊंगा करंट अकाउंट, किसके नाम पे, उमेश डोडेजा के नाम पे नहीं, एप्राइस ट्यूटोरियल के नाम पे, तो उस लोन मिलता है, उस करंट अकाउंट पे एक लोन मिलता है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बताओ ये लोन पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बैंक को, हाँ, तो बोलो एसेट है क्या लाइबिलिटी है, बताओ एसेट है क्या लाइबिलिटी, ओए मैं लाइबिलिटी ना, मुझे उनसे लोन मिला हुआ है, लोन मिला हुआ है, पेमेंट करना पड़ेगा, ये क्या है यार, अगर कोई पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं एसेट, अगर कोई पेमेंट देना है तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी, लिख के लो, लिख के लो, अमाउंट पेएबल विल बी कॉल्ड एज लाइबिलिटी, अमाउंट रिसीवेबल विल बी कॉल्ड एन एसेट, लिख के लो, लिखा, अब ऐसे पाउट करो, पाउट से आपको याद आएगा कि आपने ये लिखा था, ठीक है, ओके, चलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चा, एक्सपेंसेस, तो वो क्या है, एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, आपके नाम पर है वो कैश, आपके नाम पर है वो कैश, आप चाहे जला सकते हो, यूज कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, या नहा सकते हो उसके साथ, ठीक है, आपकी एसेट है। कैश एट बैंक, बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, उसके ओनर आप हो कि आपकी बीवी है ओनर, बताओ, टेल मी, आप ही ओनर हो ना, उसके ओनर आप ही हो, एसेट, एब्सोल्युटली राइट, एसेट।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने पेन पेंसिल रबर शार्पनर पंचिंग मशीन स्टेपलर ये सब खरीदा दुकान के लिए खरीदा, बताओ एक्सपेंस क्यों, एसेट क्यों नहीं, expensive. एसेट थोड़ी होगा प्रिंटिंग स्टेशनरी तो वो बार बार लेना पड़ेगा, लेते रहते अपन ठीक है ओके इसीलिए एब्सोल्युटली राइट. लॉस बाय फायर, बताओ लॉस बाय फायर एक्सपेंस का इनकम, लॉस कल मैं चेक करूंगा आपको ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में 35 नाम है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 31 से 37 पेंडिंग है, तो ये भी करोगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी करोगे, पूरा होमवर्क करोगे या नहीं, यस और नो कल चेक करेंगे. ओके डन डन एवरी वन डन. सर ऑक्ट्रॉय एक्सप्लेन करो ना, कौन सा बेटा ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मतलब जकात, पहले होता था ये ऑक्ट्रॉय क्या होता है मैं बता देता हूँ, सुनो ऑफ करो सब अपना आवाज ऑफ करो प्लीज, मैं ही कर देता हूँ सुनो ऑक्ट्रॉय मतलब क्या है मालूम है क्या, पहले अभी ऐसे टैक्स नहीं आता है, पहले मालूम है जकात नाका होता था, ये MIDC नागापुर में एक जकात नाका होता था, एक वो झामखेड़ रोड पे एक जकात नाका होता था, अलग अलग जकात नाका होते थे. क्यों जकात नाका होते थे, अगर आपको गुड्स मंगाते हो ना बाहर से स्टेट से दिल्ली से गुजरात से अलग अलग स्टेट से अगर आप गुड्स मंगा रहे हो तो यहाँ पे अहमदनगर की बॉर्डर पे उसको टैक्स भरना पड़ता था, जिसको बोलते हम जकात बोलते थे ऑक्ट्रॉय बोलते थे. तो अगर आपको अहमदनगर में गुड्स लाने हैं ना तो है ना आपको जकात भरना पड़ता था, इसीलिए मालूम है आपको सुनने में आया था कि नागापुर से पहले अभी नहीं नागापुर के आगे अगर आपने पेट्रोल भरा है ना पेट्रोल तो आपको 1-2 रुपए सस्ते बैठता था, और नगर के सिटी में भरते थे पेट्रोल तो 1-2 रुपए महंगा पड़ता था, याद है क्या मालूम है क्या, जब आप घूमने जाते हो ना टोल जैसा ठीक है ये टोल, लेकिन क्या होता है रोड के ऊपर टैक्स रहता है, ये माल के ऊपर टैक्स होता था क्यों माल के ऊपर कि अगर आप मंगा रहे हो ना तो उसके ऊपर टैक्स लगा जाता था, तो ये इसको पहले ऑक्ट्रॉय बोलते थे, फिर कुछ सालों के बाद इसको बोला गया था LBT मतलब लोकल बॉडी टैक्स, लेकिन अभी ये टैक्स चला गया, अभी सिर्फ GST है, ना ही ऑक्ट्रॉय रहा हुआ है और ना ही LBT रहा हुआ है ठीक है. ओके एवरीवन अंडरस्टूड एवरीवन. तो ये खर्चा रहता था फाइन, इसलिए जब आप घूमने जाते थे तो पप्पा क्या बोलते थे, अरे नहीं नहीं इधर पेट्रोल नहीं भरेंगे हम, थोड़ा आगे जाके पेट्रोल भरेंगे आगे जाके डीजल भरेंगे, क्यों बोलते थे पप्पा, क्योंकि वहां पे 1-2 रुपए कम बैठता था, इसीलिए समझा आपको. यस एवरीवन ओके डन 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 यस चलो शुड आई गो अहेड बाय बाय एवरीवन. See you, do take care of yourself. Bye bye. 4 बजे भूलना मत, 4 बजे भूलना मत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर आपको करना है ठीक है. ओके फाइन चलो अभी टाटा बाय बाय करो, फिर ही आपको जाना पड़ेगा. चलो टाटा बाय बाय करो मेरे साथ, अनम्यूट की राइट दी आपको. बाय बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय सर. बेटा वेलकम. देव 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 क्या बात है. भूमि बेटा बाबा है, भाभी का बेटा बाबा है, साइली रिद्धि गांधी विनती केवल प्रसाद बेटा एवरीवन बाबा है, जिसको करना है वो रुक सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस तन्वी सावर भाभी का. यस देव. यस तन्वी बाबा. यस भाभी का बाबा है. अदीप ए मेरा सिनेमेटोग्राफर है, मेरा साइली आप किधर रहते हो, साइली साइली ताक आप किधर रहते हो बेटा, साइली हाँ बेटा शिरूर का सर बीड का सर. अच्छे लग रहे हैं आपको मेरे लेक्चर्स. हाँ फिर बाकी के बच्चों को बोलो ना यार शिरूर के बच्चों को ज्वाइन करने के लिए, क्या आप भी यार कट्टी हाँ ऐसे करते हो सर. वो साइंस के, वो साइंस लेने वाले सब. अरे यार उनको बोलो यूटी सर का एक बार लेक्चर अटेंड करो, साइंस भूल जाएंगे वो. क्या ओके okay, चलो नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच बेटा. कॉलेज का एडमिशन फिर आप कहाँ कर रहे हो साहिली? रेसिडेंशियल. अच्छा न्यू आर्ट्स रेसिडेंशियल में, यहाँ पे नगर में. ओके ओके ठीक है नो प्रॉब्लम. अरे अदीप तू कहाँ कर रहा है, SRF में क्या अदीप?
है ना, सब एसआरएफ जाओगे कमीनो, सब एसआरएफ जाने का, आपके सब दोस्त उधर है ना, इसीलिए एसआरएफ जा रहे हो। और एसआरएफ तो 22-23 हजार लेता है फीस, और बाकी सारा भाऊ साहब सारडा कॉलेज जिनमें 2-3 हजार फीस है ना, तो सर इतने कम वाले फीस में क्यों जाए अपन, हमको तो सर थोड़े पैसे ज्यादा है हमारे, है ना, तो 22-23 हजार अपन देते हैं कमीनो, कोई दूसरे 3-4 हजार बाकी के एक्स्ट्रा पैसे मेरे को दे दो भली, इतनी ज्यादा प्यार है तो। हाँ, कॉलेज एक ही छेड़े, यहाँ नहीं तो वहां कहीं पे भी कॉलेज कर सकते।